हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, मानव संपदा पोर्टल से लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली ई सर्विस बुक फीडिंग फॉर्म पर सभी कार्मिकों को देनी होगी अपनी संपूर्ण जानकारी। साथियों, सभी कार्मिकों को एक फॉर्म मिलने वाला है जिस पर उन्हें अपनी संपूर्ण जानकारी देनी होगी। आज की वीडियो इसी के विषय में है। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहें। चलिए देखते हैं वो फॉर्म कौन सा है और उस पर हमें कौन कौन सी जानकारी देनी है। ई सर्विस बुक फीडिंग फॉर्म, चलिए देखते हैं। तो साथियों, ये है वो फॉर्म जिस पर हम सभी को अपनी डिटेल्स देनी है। मानव संपदा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए कार्मिक विवरण, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करें। चिन्हित फील्ड अनिवार्य है, यानी कि जहाँ पर हैश का निशान लगा हुआ है वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देनी है। प्रपत्र को काले या नीले पेन से साफ शब्दों में भरें। स्थापन कार्यालय गलतियों को हरे लाल पेन से सही करें। यहाँ पर एक फ़ोटो भी लगाना है, अपना नाम, वर्तमान पदनाम, पिता पति का नाम, लिंग, जन्म तिथि, कार्मिक की सेवा का प्रकार, आधार संख्या, UID संख्या, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर और ईमेल। अगले पेज पर है कार्मिक का वर्तमान तैनाती विवरण, वर्तमान तैनाती विभाग, वर्तमान तैनाती का स्थान, वर्तमान तैनाती का जिला, तैनाती कार्यालय का नाम और वर्तमान संवर्ग, राज्य, मंडल या फिर जनपद स्तर, सेवा में योगदान देने की तिथि, सेवानिवृत्त की तिथि, वर्तमान सेवा की श्रेणी क ख ग घ किस श्रेणी में आते हैं उस पर टिक करना है, स्थापना कार्यालय, भर्ती का प्रकार, सीधी भर्ती है, प्रोन्नति है, प्रतिनियुक्ति है, मृतक आश्रित, तदर्थ या फिर स्थानापन्न, इस तरह से। इससे अगले पेज में है कार्मिक की व्यक्तिगत जानकारी, वैवाहिक परिस्थिति पर टिक करें, विवाहित, अविवाहित, विधवा या फिर तलाकशुदा, पहचान चिन्ह ये जरूर भरना है आपको, यहाँ पर हैश का निशान लगा हुआ है, वर्ग सामान्य, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, लंबाई, धर्म, रक्त वर्ग, गृह राज्य, गृह जिला, वर्तमान सेवा का संवर्ग, अवकाश यात्रा सुविधा हेतु गृह जनपद, अवकाश यात्रा सुविधा हेतु निकटतम रेलवे स्टेशन, नियुक्ति के स्रोत, इस तरह से जानकारी देनी है। फिर नेक्स्ट पेज आ गया है कार्मिक के पते की जानकारी, इस पर आपको अपने जो वर्तमान स्थानीय पता है उसकी डिटेल्स भरनी है और जो आपका स्थायी पता है उसकी डिटेल्स भरनी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर प्रपत्र 3, सेवा प्रारंभ करने की सूचना, आपके विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, नियुक्ति पत्र जारी होने का दिनांक और सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, आदेश संख्या, प्रारंभिक पदनाम, सेवा की श्रेणी क ख ग या फिर घ, कार्मिक की सेवा का प्रकार, राजपत्रित या फिर अराजपत्रित, किसी एक पर टिक करें। आप फिर आता है संवर्ग, राज्य, मंडल या फिर जनपद स्तर। नेक्स्ट पेज नियुक्ति प्राधिकारी, नियुक्ति के स्रोत, वरिष्ठता सूची का वर्ष, वरिष्ठता सूची का क्रमांक, वेतनमान, मूल वेतन, कटौती का प्रकार, GPF या फिर CPS, GIS इस सदस्य हैं या फिर नहीं। अगला आता है शैक्षिक विवरण, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देनी है, हाई स्कूल की, इंटर की, स्नातक और स्नातकोत्तर की। फिर आता है सेवा में आने के पश्चात प्रशिक्षण का विवरण, भारत में या विदेश में उल्लेख करें, जो भी आपका विवरण होगा वो यहाँ पर आप उल्लेख कर देंगे। अगर आपने भारत में कोई प्रशिक्षण लिया है तो उसकी डिटेल्स, कहीं विदेश में लिया है तो वो उसकी डिटेल्स। फिर आता है प्रपत्र 6, कार्मिक के परिवार के सदस्यों का विवरण, यहाँ पर आपको अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डिटेल्स देनी है। प्रपत्र 7, ऋण अग्रिम विवरण, ऋण विवरण
यहाँ पर आपको अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसकी डिटेल्स देनी है। फिर आता है कार्मिक का सेवा इतिहास, कार्मिक की पदोन्नति विवरण। यहाँ पर आपका जो पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, इसकी डिटेल्स देनी है। कार्मिक स्थानांतरण विवरण, यदि आपका 11 से अधिक बार तबादला किया है तो अलग पत्र में आगे के विवरण संलग्न करें। इसमें आपको अपने जो ट्रांसफर्स होते हैं उनकी डिटेल्स देनी है। समयबद्ध पदोन्नति ACP का विवरण, यहाँ पर इनकी डिटेल देनी है। फिर आता है प्रपत्र 9 अवकाश विवरण, यहाँ पर आपके जितने भी अवकाश हैं उनकी डिटेल्स आएगी। अवकाश के प्रकार, अर्जित अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, अर्धवेतन पर अवकाश, अवैतनिक अवकाश। फिर आता है प्रपत्र 10 कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, इस तरह की डिटेल्स यदि है तो वो यहाँ पर देनी है। प्रपत्र नंबर 11 कार्मिक की वार्षिक गोपनीय आख्या रिपोर्ट, विगत 10 वर्षों की पृथक पृथक, यानी कि आपकी ACR है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसका विवरण भी यहाँ पर देना होगा। प्रपत्र 12 कार्मिक की प्रतिनियुक्ति का विवरण, प्रतिनियुक्ति में ऐसा होता है यदि आप अपने डिपार्टमेंट से प्रतिनियुक्ति पर किसी और डिपार्टमेंट में गए हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। प्रपत्र नंबर 13 कार्मिक नामांकन, GPF CPS के लिए कर्मचारी नामांकन विवरण, नामांकित व्यक्ति का नाम, संबंध, प्रतिशत, इस तरह का आपको डिटेल्स देनी है इसमें। फिर आता है प्रपत्र नंबर 14 पुरस्कार विवरण, यदि आपको ये पुरस्कार मिले हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। तो साथियों ये फार्म है, इस पर आप सभी को अपनी डिटेल देनी है। ये जो वीडियो बनाई है ये आपको सूचनार्थ है, ताकि आपको जानकारी हो जाए कि आपको इस तरह के फॉर्म पर भी अपनी डिटेल्स देनी है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।